डीसी ऑफिस कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को एनजीटी नई दिल्ली में दायर वाद से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि ओए नंबर 360/218 में पारित आदेश के आलोक में एनजीटी नई दिल्ली द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल निकायों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में उपायुक्त द्वारा पर्यावरण के लिए जल निकायों के संरक्षण के महत्व पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि तालाब, कुआं, डोभा, बांध, चेक डैम, झील, जल निकाय, जल संचयन संरचनाओं की स्थापना के साथ साथ मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं को हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शामिल करने के अलावे उप जल क्षेत्रों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना, इस कार्य में ग्राम पंचायत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक गांव में कम से कम एक नए तालाब, कुआं, डोभा, बांध, चेक डैम, झील, जल निकाय बहाल किया जाना चाहिए। प्रत्येक जल संग्रहण स्थल जैसे तालाब, झील, कुआं आदि के पानी की गुणवत्ता खराब ना हो, इसकी भी समय समय पर जांच करेंगे। साथ ही सभी वाटर बॉडीज झील की पहचान कर उसका जियो टैगिंग करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, उप नगर आयुक्त, नगर निगम निदेशक डीआरडीए, जिला परियोजना पदाधिकारी डीआरडीए, जिला वन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, एनजीओ के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।